Remember the name of the West Indies. क्रिकेट जगत में इस तरह का इमोशनल और भावुक कर देने वाला मैच आज से पहले शायद ही देखने को मिला होगा, जिसने विश्व के सबसे बड़े मंच पर वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट्स में वो भी सेमीफाइनल में पहुंचकर जीत के करीब पहुंचकर हार का सामना करना पड़ता है। उसके बाद टीम के सभी खिलाड़ी फूट फूट कर रो पड़ते हैं। तो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड कप 2015 में खेले गए सेमीफाइनल मैच के बारे में। इस मैच में एक टीम का एक ऐसा खिलाड़ी भी था जिसकी नम आंखों ने सभी को रुला दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिस्टर 360 डिग्री विश्व के सबसे प्रसिद्ध खिलाड़ी एबी डिविलियर्स की, जिनकी बल्लेबाजी से शायद आज विश्व का हर क्रिकेट प्रेमी प्रभावित है, जिसको लोग प्यार से एलियन के नाम से पुकारते थे। और शायद सच में इस जैसी शख्सियत इंसानों में देखने को नहीं मिली। इस खिलाड़ी में कुछ न कुछ तो था जो आज इंसानों में कहां देखने को मिलता है। बचपन में नेशनल टीम से रग्बी खेलना और फिर क्रिकेट जगत का मिस्टर 360 डिग्री कहलाना इतना आसान तो नहीं था। On the weakest pin of the launched and smashed. That has gone a very long. उसने विश्व क्रिकेट जगत को इस अंदाज से खेलना भी सिखा दिया था। उसने क्रिकेट जगत को 360 डिग्री का मतलब बताया कि एकमात्र ऐसा खिलाड़ी था जिसकी लोकप्रियता भारत में बहुत ज्यादा है। भारत में क्रिकेट का जुनून सर चढ़कर बोलता है और एबी डिविलियर्स की फैन फॉलोइंग भारत में काफी ज्यादा है। इस खिलाड़ी ने भारत को दूसरा घर बनाया और यहाँ के गरीब बच्चों के लिए सहारा बनना, उनके खर्चे उठाना, उनके चेहरे पर मुस्कान लाना, ये कम है क्या? फिर वक्त का चक्रव्यूह ऐसा पलटा, फिर ये खिलाड़ी उठ ना सका। इस खिलाड़ी का करियर शायद उस ढंग से खत्म ना हुआ जैसा हम लोग चाहते थे। इस महान खिलाड़ी को शायद अपने देश से इतनी इज्जत ना मिली हो जिसका वो असल हकदार था। जी हाँ, वर्ल्ड कप 2015 का सेमीफाइनल मैच जहाँ न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका आमने सामने थी, ये मैच पूरी तरह रोमांचक स्थिति में पहुँच चुका था। जहाँ न्यूजीलैंड टीम को जीत के लिए दो गेंदों में मात्र 5 रन बनाने थे, लास्ट ओवर की जिम्मेदारी डेल स्टेन के हाथों में थी, फिर क्या इस गेंद पर 6 लग जाता है। फिर वो मंजर देखने को मिला जो आज भी जब जब आंखों के सामने आता है तो आंखों से आंसू बहने लगते हैं। एक तरफ से खुशियों की लहरें तो वहीं दूसरी तरफ से मातम सा छा चुका था। साउथ अफ्रीका के सभी खिलाड़ी फूट फूट कर रोने लगे। ये चेहरा जब जब आंखों के सामने आता है रुला देता है। शायद वही एक दिन था जब मैं किसी क्रिकेटर के लिए पहली और आखिर बार रोया था। शायद मैं ही नहीं, उस दिन शायद हर क्रिकेट प्रेमी रोया होगा जो क्रिकेट से इतना लगाव और चाहत रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वही 2015 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैच था जिसे साउथ अफ्रीका हार चुकी थी। दोस्तों, क्रिकेट जगत में बहुत से महान खिलाड़ियों को देखा लेकिन एबी डिविलियर्स जैसा नहीं देखा। एबी डिविलियर्स शांत, कूल और खुश मिजाज खिलाड़ी थे जिन्होंने अपना करियर हंसते हंसते बिता दिया, लेकिन शायद किसी को पता ना था ये मुस्कुराता हुआ चेहरा एक दिन सबको रुला देगा। तो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आप लोग एबी डिविलियर्स को बड़ा खिलाड़ी मानते हैं तो अभी वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इसी तरह की क्रिकेट जगत से जुड़ी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।